मैंने सन 2000 में मैंने वो भी देखा हुआ है कि आतंकवादी मेरे सामने है वहाँ पे, आतंक मतलब वो घटना कर रहे हैं और उनके सामने मिलिट्री लड़ रही है, मेरे सामने ही घटना है वो जी। बाबा सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि मुझे तब तक ही प्राण देना जब तक मुझे अपने इन पैरों पे बुला सके। बाबा बर्फानी की वार्षिक यात्रा जो है शुरू होने जा रही है, उसके लेकर जितने भी भक्त हैं भोले बाबा के वो लगातार अब जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ तरुण जी हैं और इंदौर से आए हैं, 25वीं बार आ रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी इनके अंदर ये हम कह सकते हैं एक शक्ति है भोले बाबा ने दी है कि 25वीं बार लगातार यहाँ पर आए हैं। इनसे खुद इनसे इनके अनुभव पूछते हैं। तरुण जी आप बता रहे हैं 25वीं बार आने, कौन से ईयर से शुरू किया? सन 2000 से बाबा ने बुलाने शुरू किया मुझे जी, और पूरे ब्रह्मांड में सर्वस्व शंकर निहित है, एक हर कण में शंकर निहित है, आप में भी है मुझ में भी है, सभी जगह शंकर निहित है। और जब बाबा के दरबार में आप जाते हो जी, तो आपको उनके सिवा कुछ नहीं दिखता है। आप बाबा के आप जब नंगे पैर आप इस तरफ कदम रखते हैं जी, उसके बाद से बाबा आपको जो बुलाते हैं ना, आपको गर्मी लगती है ना, ठंड लगती है ना, बारिश लगती है ना, पंख कंकड़ चुभते हैं, कुछ नहीं होता। ये सब बाबा की शक्ति है, मतलब उसी शक्ति के सहारे जो है आप आ जाते हैं। मुझे एक चीज, जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव है, मिलिटेंसी खत्म हो चुकी है, ठीक है। पहले जो यहाँ पर आने के लिए कनेक्टिविटी कम हुआ करती थी, अब बहुत हो गई है। पहले जो जम्मू से लेकर आपको पहलगांव या श्रीनगर जाने के लिए आपको 12-12, 15-15 घंटे लगते थे, अब मात्र आप 6 से 7 घंटे में आप श्रीनगर पहुंच जाते हैं। अच्छा। इन 25 सालों में तो जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ हुआ, कई बार यहाँ पर ऐसे वक्त भी आता था कि बंद रहता था, कुछ हड़तालें भी, तब भी आप लगातार आते थे। सबसे पहली बार जब मैं यहाँ पर आया था, और आपको ध्यान होगा रघुनाथ मंदिर के सामने पहले वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता था जी, रजिस्ट्रेशन होता था। जब उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए मांगने के लिए हम गए सुबह, हम आज शाम को 5 बजे लगे हैं, दूसरे दिन 11 बजे हमको, तीसरा नंबर मेरा था, वो बोलते हमने रजिस्ट्रेशन दे दिए हैं। तब उन्होंने कुछ भी नहीं किसी को रजिस्ट्रेशन दिया था, तब मैंने पहली बार वहाँ लड़के मैंने वहाँ पर सड़क पर चक्का जाम करवाया था कि नहीं हमें हमारा हक चाहिए, हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे। मतलब आप उसके लिए भी लड़े हैं यहाँ पर। आप अकेले आते हैं या आपके साथ और लोग? नहीं, मेरे और साथी भी आते हैं जी। अभी हम 32 लोगों का ग्रुप आ रहा पूरा। अच्छा, मतलब पहुंच चुके हैं आप? हाँ, मतलब अभी मेरे पास में 12 पहुंच चुके हैं जी, और बाकी अभी मालवा एक्सप्रेस से आ रहे हैं, कुछ शाम को अलग आ रहे हैं, नागदा गाड़ी से आ रहे हैं। तो अभी किस प्रोसेस में है, कोई टोकन वगैरह ले लिया? अभी इन्होंने RFID कार्ड इन्होंने देना स्टार्ट नहीं किया है, और हम उसी के लिए वेट कर रहे हैं सारे, उसी के लिए वेट कर रहे जी। हाँ, तो फिर 25 साल का जो अनुभव है, आप क्या बदलाव देखे आपने जम्मू कश्मीर में? जब एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछूंगा, जिस तरह से पिछले 1-2 महीने में यहाँ पर बहुत सारी आतंकी घटनाएं हुई हैं, ऐसा लग रहा था एक श्रद्धालुओं की बस पर भी अटैक किया गया था, क्या इस बीच में किसी डर का भाव? नहीं नहीं, क्यों, मैंने सन 2000 में मैंने वो भी देखा हुआ है कि आतंकवादी मेरे सामने है वहाँ पे, आतंक मतलब वो घटना कर रहे हैं और उनके सामने मिलिट्री लड़ रही है, मेरे सामने ही घटना है वो जी। तो आपने जैसे देखा कि तरुण जी का वो अनुभव पिछले 25 साल का वो साफ इनके भाव से नजर आ रहा है कि किस तरह जो भोले बाबा का उनका आशीर्वाद होता है तो किसी तरह का डर कोई भी नहीं रहता, ये साफ तौर पर इन सबकी यहाँ पे चेहरों पर नजर आ रहा है। और भोले बाबा सिर्फ एक ही इल्तिजा है हाँ, कि मुझे तब तक ही प्राण देना जब तक मुझे अपने इन पैरों पे बुला सके।